नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिस स्कूल पुराजोधी मुकेरीगंज आजमगढ़, एडमिशन ओपन, गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPBC विंडो और डोर्स के विक्रेता, GD ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़, एडमिशन ओपन, वुडनटेज भवरनाथ आजमगढ़ और वेदांता हॉस्पिटल लक्ष्मीरामपुर आजमगढ़। आजमगढ़ के विकास भवन में एक ग्राम विकास अधिकारी व उसके असलाहधारी साथियों पर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में घुसकर हंगामा करने व धमकाने का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर भवन के बाहर धरना दिया व अनुशासनात्मक कार्रवाई संग FIR दर्ज करने की मांग का ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। CDO ने प्रकरण की जाँच प्रभारी DPRO को सौंपा और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आजमगढ़ में दो दिन पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है, जिसको लेकर पहले से तैयारी कर रहे कईयों को झटका भी लगा है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार एक दिन पूर्व शाम को ग्राम विकास अधिकारी शांति शरण सिंह अपने कुछ असलाहधारी साथियों के साथ पहुंचे और जनपद के पवई ब्लॉक के आरक्षण को लेकर पिछले 25 साल की सूची मांगने लगे, जिस पर असमर्थता व्यक्त करने पर वहां तैनात कर्मचारियों से अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की नौबत आ गई। कर्मचारी नेता रामजन्म रावत जब हंगामा सुनकर वहां पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर विकास भवन के कर्मचारियों में काफी आक्रोश था। इसी के विरोध में लामबंद कर्मचारियों ने शुक्रवार के दिन विकास भवन के द्वार की सीढ़ी पर धरना दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यही है कि आरक्षण को लेकर के एक अपना ही कर्मचारी शांति शरण सिंह, जो ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड सठियाओं में है, लाल बिहारी के पास जाते हैं, उनसे डाटा की मांग करते हैं। वो अपनी असमर्थता व्यक्त करने पर उनको गाली गलौज करना, माँ बहन की गाली बकना, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी इनके द्वारा गाली बक्का गया। पुनः दोबारा 5 बजे आ करके विकास भवन में लाल बिहारी को गाली फिर बकना और उन्हें मारने के लिए दौड़ाना। इस पर जब मेरे द्वारा बीच बचाव किया गया तो उनके द्वारा मुझ पर भी हमला किया गया। अब ये जो भी स्थिति थी, कर्मचारी से बर्दाश्त नहीं करने वाला है, उसी को लेकर के आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए। विकास भवन के सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, सभी की मांग है उस कर्मचारी का निलंबन तत्काल किया जाए, उसके खिलाफ FIR हो। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई, हम पदाधिकारी संग वहाँ पर जाकर के वार्ता किए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा तुरंत DPRO को निर्देशित किया गया इन्हें निलंबित करने के लिए, और इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि वीडियो कैमरा यहाँ लगा दिया जाए, कोई भी असलाहधारी विकास भवन में प्रवेश न करने पावे। कोई भी शराब पी करके विकास भवन के अंदर अगर प्रवेश करता है तो उसका मेडिकल जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर्कुलर जारी करने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने दिया है। हम कर्मचारी उनके आदेश से शाश्वत हैं, हम भली भांति सहमत हैं कि उस जो कार्रवाई की गई है वो कर्मचारियों के हित में की गई है। और दूसरी बात, अगर कार्रवाई निलंबन आज नहीं हुआ तो ये विकास भवन का कर्मचारी पुनः धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। आज की जो धरना थी इसे हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पर स्थगित करते हैं। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि DPRO के अवकाश में जाने के चलते आज प्रभारी के तौर पर तैनात ADPRO को मामले की जांच सौंपी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि आज कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारीगण हैं वो हमसे मिले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 5 बजे के लगभग जो सचिव हैं शांति शरण सिंह, उनके साथ में कुछ और लोग थे बंदूकधारी, उनके द्वारा आ करके यहाँ के पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास के कुछ कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने ये बातें संज्ञान में लाई हैं। इसके लिए मैंने जो आज DPRO के चार्ज पर हैं अपर DPRO, उनको मैंने इसमें
प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर जैसा कि कैंपस में इस तरीके के लेके आना ये पाबंदी धारा 144 से लगी हुई है, तो इस तरीके से फिलहाल अभी धारा 144 नहीं लागू है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि इसके विकास भवन के अंदर असलाहदारी नाव आए, और इसके लिए हम लोग एक बैनर भी लगवा दे रहे हैं, इंश्योर करा रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का सलाहदारी बिना अनुमति के इसके अंदर प्रवेश, विकास भवन के अंदर प्रवेश ना करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जो भी आशंकाएं हैं उनको ना साबित हो सके। कर्मचारियों की मांग है सर कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दे दिया है DPRO और ADPR दोनों लोगों को। किस हद तक सर प्रभावी कार्रवाई, ये जो भी चूँकि नियुक्ति प्राधिकारी DPRO होते हैं तो वो इसमें उचित कार्रवाई इसमें करेंगे। सर जिस तरह से अभी तो मुझे सूचना मिली है, अभी जांच का विषय है, इसको देखा जाएगा क्या मामला था कैसा था, तो आज कर्मचारी संघ के जो लोग मिले हैं उसके ज्ञापन के आधार पर मैंने ADPR DPRO को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को गति देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम ने मंदुरी स्थित एयरपोर्ट के तकनीकी परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया। इस दौरान विमानों के हवाई पट्टी की लेंथ, ब्रेथ, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड व डिमार्केशन का कार्य किया गया। अन्य बाधाओं को जल्द दूर करने पर विचार विमर्श हुआ। आजमगढ़ लखनऊ मार्ग पर मंदुरी हवाई पट्टी पर विमानों की उड़ान को लेकर काफी दिनों से लोग उम्मीद बांधे हुए हैं। यहां पर मुख्य भवन के साथ ही वॉच टावर, लॉबी, यात्रियों व सामानों के लिए चेकिंग, टिकट काउंटर समेत अन्य भवनों का काम निर्माण निगम की तरफ से कर लिया गया है और इसका हैंड ओवर होना फिलहाल बाकी है। इसके अलावा कई मशीन और विशेष लाइटिंग उपकरण भी यहां पहुंच गए हैं, इनको भी इंस्टॉल किया जाना है। इन्हीं सब व्यवस्था को लेकर सर्वे टीम यहां पहुंची थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने प्रथम लिस्ट जिला प्रशासन के दिए गए बिंदुओं पर कराए गए कार्यों को देखा और संतोष प्रकट किया। डिस्प्ले सिस्टम, एक्सरे, बैगेज स्क्रीनिंग, लेवल ग्रेडिंग, यात्री सुविधाओं के परीक्षण का कार्य टीम ने किया। तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट शासन को प्रसिद्ध की जाएगी। इसके अलावा हवाई पट्टी के पास एक भवन के मंजिले को भी हटाने व कुछ बिजली खंभे भी हटाए जाने की कार्रवाई शेष है। इसको लेकर ADM प्रशासन ने बताया कि जैसे ही शासन की तरफ से इस मद में निर्देश व धन आएगा कार्रवाई कर ली जाएगी। तो टीम 2 सदस्यीय टीम आई थी, तो उन्होंने जो है यहाँ निरीक्षण किया, जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है, हवाई पट्टी जो बनी है उसको उन्होंने, उसकी लेंथ देखी कितनी लंबाई चौड़ाई है, और उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है उन्होंने फिक्स करने के लिए वो सब आए थे, और वो अपना उनका टेक्निकल काम है वो अपना करके आज वापस गए हैं। सर प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या अभी इसमें बाकी रह गया है? प्रशासनिक स्तर में कोई चीज़ बाकी नहीं है, वो निर्माण हो रहा था, निर्माण कम्प्लीट हो गया है, और उसको अपना चेक करके हैंड ओवर हो जाएगा, और फिर इसके बाद अपना उन्हीं को उसको हैंड ओवर करके उसमें लाइट वगैरह अपना जो मशीनें जो लगाना हो वो लगा के कर्मचारियों को नियुक्ति करके, जब नियुक्ति कर लेंगे उस हिसाब से जैसे भी निर्देश होंगे उस हिसाब से संचालित करेंगे। सर कुछ मकान वगैरह क्या जाने मकान वगैरह हो गए हैं, एक मकान अभी, एक मकान का जो है करीब एक मंजिल 3-4 मीटर, करीब 1.5 मीटर है, तो एक और एक मकान और है कि उसका भी जो है धनराशि की मांग की गई है वो आ जाएगा तो वो भी हटा दिया जाएगा, और एक 2 बिजली के पोल हटाने हैं, दरअसल में वहाँ पे एक कनेक्शन है, ट्यूबवेल है, केबल डालना है, उसकी डिमांड की गई है, पैसा आ जाएगा तो उसका केबल डाल के पोल हटा दिए जाएंगे, और बाकी जो और थे वो सब हट गए हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीम ने कोई संकेत दिया है कब तक जो है ना? टीम का वो काम भी नहीं था, एक सर्वे टीम थी, अपना सर्वे करेगी, निर्णय लेने को उनको कोई वो नहीं है, अपना सर्वे की सर्वे करके गए, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे जैसा होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम के सर्वे के उपरांत उम्मीद जगी है कि अप्रैल माह से आजमगढ़ से उड़ान शुरू हो सकती है। वहीं एयरपोर्ट को लेकर जनपद वासियों का कहना है कि जो भी कार्य अधूरा है उसे जल्द से जल्द पूरा कर अप्रैल माह तक उड़ान शुरू की जाए। हम लोग की बड़ी उम्मीदें थी कि पिछले साल ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा और हम लोग यहाँ से लेके लखनऊ, दिल्ली और बनारस तक की उड़ान भरेंगे। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो आजमगढ़ से बाबतपुर जाती है या लखनऊ जाती है बाहर की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। अगर ये हो जाता तो आजमगढ़ के विकास में एक चतुर्मुखी चांद लग जाता, और हम सब की जो आकांक्षाएं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको यहीं से उनके सपनों पे पर लग जाते हैं।
इसलिए हम माननीय सरकार महोदय से या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या केंद्र सरकार या जो भी उसमें टीम लगी है उसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी उसमें अड़चनें आ रही हैं उसको यथाशीघ्र दूर करते हुए एयरपोर्ट को शीघ्र अतिशीघ्र चालू करने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ के नागरिकों को सहूलियत मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को 4 लेन दिए, 6 लेन दिए और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में विश्वविद्यालय दिए और एयरपोर्ट दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। सारा विलम्ब कहीं न कहीं लटकाने भटकाने का काम हमारे जिले के जिम्मेदार अधिकारीगण और जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है कि ये लटकाने भटकाने की प्रक्रिया बंद करके किसी तरह आजमगढ़ को जब प्रदेश का मुखिया कुछ देना चाहता है तो उसे तुरंत पूरा करके हमारे प्रदेश के हित में आप आगे आवें। इस बाबत मैं लखनऊ गया था, तीसरे तल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, वहाँ पर मेरे मित्र भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जल्द से जल्द चालू होने जा रहा है, लेकिन वह जल्द से जल्द कब आएगा? फिर एक न्यूज आई है कि अप्रैल से चालू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल के बाद मई नहीं होगा और अप्रैल से यहां से उड़ानें शुरू होंगी और हम आजमगढ़ वासियों की इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा हमें विश्वास। नगर के सिधारे स्थित जालांश बाजार में शुक्रवार को रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स की नई ब्रांच का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और जालांश मेगा स्टोर के प्रोप्राइटर भगीरथ जालान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर मनीष गोयल ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग पर हमारे संस्थान ने यहां रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स की नई शाखा को खोलकर बेहतर क्वालिटी चुनने का मौका देगी। हमारे यहाँ सभी ग्राहक अपनी ज्वेलरी को कैरोमीटर से फ्री में जांच करवा सकते हैं। सभी ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ उपलब्ध है एवं शुद्धता की 100% गारंटी है। उद्घाटन अवसर पर प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर मनीष गोयल को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जेवरात की खरीदारी के लिए शहर के व्यस्तम इलाके में नहीं जाना होगा, सभी ज्वेलरी के सामान सिधारी में ही उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर प्रदीप अग्रवाल, श्याम बिहारी अग्रवाल, विवेक गुप्ता, जालांश बाजार के मैनेजर मयंक, प्रणव गोयल, शक्ति शर्मा सहित नगर के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लोग उपस्थित रहे। पहले मनीष बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने ये तो पुरानी कोतवाली पर इनकी यहाँ इनके दादा के नाम से दुकान आज भी प्रसिद्ध है। मेरा इनका बहुत पारिवारिक लगाव था। आज मैं इनके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस सिधारी मोहल्ले में जालान बाजार में जो आपने जेवरात की दुकान आपने जो स्थापना की है और इससे ग्रामीण जो अंचल के लोग आएंगे उनको शहर में नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा काम सराहनीय काम किया है कि आज ज्वेलर्स वाली दुकान खोल करके इस क्षेत्र का इस एरिया का पूरा विकास करने का काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। ये भी रघुनंदन प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद तो हमारी पुरानी फर्म है और सिधारी पर नई दुकान हम लोग ज्वेलरी की लॉन्च किए हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी रहेगी और कैरोमीटर पर हमेशा जो चाहे जो चेक कर सकता है और कैरोमीटर भी हमारे यहाँ लगा है, अपना ज्वेलरी चेक करा सकते हैं। सभी प्रकार की ज्वेलरी हॉलमार्क मिलेगी और कैरोमीटर पर चेक करा के मिलेगी। देखिए हार चूड़ी सब मिलेगा हम लोग के यहाँ, चांदी के भी सभी ज्वेलरी उपलब्ध हैं। क्वालिटी हॉलमार्क सब रहेगा, ज्वेलरी 100% वापसी का है, 100% वापसी है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण मतलब शहर में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस साइड में हम लोग अपना दुकान लॉन्च किए हैं। जनपदों से आप लोग आएँ और हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, अपने सामान का फ्रिज में टेस्टिंग कराएं ज्वेलरी का। ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के नव चयनित अध्यक्ष कामरेड गिरधर गोपाल के प्रथम जनपद आगमन पर फेडरेशन की आजमगढ़ इकाई ने उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ अभिनंदन, स्वागत और सम्मान किया।
रोडवेज क्षेत्र में एक होटल के सभागार में आयोजित हुए समारोह के दौरान अध्यक्ष ने संगठन के साथी बैंक कर्मियों को विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शित किया। आगामी 15 व 16 तारीख को प्रस्तावित स्ट्राइक को अभूतपूर्व बनाने की उनसे अपील की। एबीसी चैनल से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी व गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। बजट के दौरान सामने आए दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उन्होंने कई सारी बातें की, आइए आपको सुनाते हैं उनसे हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश। ये स्वागत जब मैं प्रेसिडेंट बना तो आजमगढ़ में मेरा प्रथम आगमन हुआ है, वो उसके कारण यहाँ स्वागत किया गया है और मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने पास बुलाया और मेरा स्वागत किया, मुझे मेरे विचारों को सुना उन्होंने। क्या सर मैसेज देना चाहेंगे और आपका धरना प्रदर्शन क्या है बैंकिंग क्या है? हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार ने अभी बजट में प्राइवेटाइजेशन की बात की है, दो बैंकों के प्राइवेटाइज करने की वो बात कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि सरकारी बैंक ही हैं जो आज सारी सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं, जो एक गरीब से गरीब को भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद में ये सुविधा किसी गरीब, जो भारत के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएगी और कुछ सीमित लोगों के हाथों में बैंकिंग चला जाएगा, इसलिए हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। इसके लिए क्या योजनाएं बनाई, क्या है? UFBU के बैनर तले बैंक के 9 जो अधिकारी और कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने अपना एक पूरा प्रोग्राम दिया है। 9 फरवरी को उन्होंने एक मीटिंग किया था UFBU ने और उसके तहत उन लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम शेड्यूल करके दिया और उसी प्रोग्राम शेड्यूल के तहत 15-16 को स्ट्राइक किया का घोषणा किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकार का इस पे क्या असर पड़ता है, फिर हम लोग आगे के लिए सोचेंगे कि हमें क्या करना है। इससे कितना नुकसान हो सकता है आम जनता का? और आम जनता का नुकसान प्राइवेटाइजेशन से होगा, आम जनता का नुकसान इस स्ट्राइक से नहीं होगा। अगर गलती से भी ये प्राइवेटाइज हो गए बैंक तो आम जनता का पैसा ये कॉरपोरेट घराने लूट लेंगे, इसलिए हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। सरकार की योजना पर पूंजीपतियों के लिए है, आप देख रहे हैं एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। आज एक रेलवे की बात करें, रेलवे में क्यों, जब रेलवे में सारा ट्रेन को क्यों नहीं ये लोग चला रहे हैं? कोविड स्पेशल के नाम पे ये ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं, धीरे धीरे हमको उसका आदि बना रहे हैं। इन्होंने तेजस जो प्राइवेट सेक्टर का ट्रेन है उसको चलाने का इन्होंने परमिशन दे दिया, क्यों परमिशन दे दिया? आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या थी? एक गरीब आदमी के लिए एक सामान्य बोगी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लोग जो है ट्रेन में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग शुरू कर रहे हैं? एयरपोर्ट बेच दिए गए, पोर्ट बेचने की बात चल रही है, बैंक का निजीकरण करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये? मोदी जी ने जो वादे किए थे आज अधूरे हैं और कुछ बचे भी हो गए हैं। मैं व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि अपने संगठन को क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ में हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है और हमारे जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता लोग हैं उन लोगों ने आज प्रॉमिस किया हुआ है कि UFBU के कॉल का पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 15-16 का जो स्ट्राइक होगा वो अभूतपूर्व होगा। शुक्रवार को फ्रंटलाइन कर्मियों को टीकाकरण लगाने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों और बीमार 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकृत किया गया जिसका लक्ष्य 1262 रहा। आज पूरी जनपद में 27 जगहों पर 27 सत्र स्थल आयोजित हुए। इसके साथ ही मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, डिप्टी CMO डॉक्टर इफ्तिकार अहमद सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व वहां के कर्मियों को भी दूसरी डोज कोविशील्ड दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि आगामी 8 मार्च से जनपद के 92 सरकारी चिकित्सालयों व 10 प्राइवेट चिकित्सालयों पर टीकाकरण सत्र आयोजित होंगे जिसके अंतर्गत प्रत्येक सत्र स्थल पर सरकारी चिकित्सालयों में 120 लाभार्थियों को और प्राइवेट चिकित्सालयों में 100 लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टीका लगा है, कोई परेशानी नहीं हुई है। अभी आधा घंटा इंतजार किए हैं, उसके बाद जा रहे हैं। कोई डर कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई।
कोविड का इंजेक्शन टीका लगवाने आए थे, 66 साल। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठे हैं 10-15 मिनट, अब घर जा रहे हैं। ठीक है रही, मजे से कार्ड बन गया और कार्ड बनने बाद तुरंत टीका भी लग गया हमारा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी सब लोग ठीक है, स्टाफ भी अच्छे हैं भाई। हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि इसको सब लोग लगवाएं, क्योंकि परेशानी है, अब रोग बहुत तेज़ बढ़ रहा है, अगर लगवा लेंगे तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी। तो जितने भी 60 साल उसके ऊपर वाले वो भी आ जाएं, और जो बीमार हैं 45-59 साल वाले वो भी आके इस टीके को ज़रूर लगवा लें। हाँ सुरक्षित है, ये सेफ है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। टीका लगवाने के लिए आया था पहली बार, जो अभी भी लगा है, और वहाँ से ये कहा गया है कि आप आधे घंटे तक इस कक्ष में बैठे रहिए, कोई अगर दिक्कत होती है तो आप एक नंबर दिया गया उस नंबर पर सूचित करिएगा। खैर फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, और उन्होंने भी कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये सारी हमें बातें अभी नहीं। हमें तो कुछ ऐसी असुविधा नहीं लगी, यहाँ पे तो सुविधा तो रहती है यहाँ पे, और सारे लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं लग रही हमें। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्कशॉप के जरिए ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सीएमओ कार्यालय के सभागार में आयोजित हो रही इस प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए 3 दिनों में विकास खंडवार ग्राम विकास अधिकारियों को एक एक दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 मार्च से शुरू हुई यह कार्यशाला 6 मार्च तक चला करेगी। जिला प्रशिक्षण अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जन्म मृत्यु पंजीकरण मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, जिसे दस्तक अभियान से संबद्ध किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी जिन्हें यह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वे प्राइमरी रजिस्ट्रार हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण के संबंध में पिछले 3 दिनों से पार्ट पार्ट करके ब्लॉक वाइज पूरे जनपद के सारे ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारियों का संवेदीकरण कार्यशाला चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में हमारे जन्म मृत्यु पंजीकरण के जो हमारे डाटा ऑपरेटर हैं अनीता जी हैं, ERO भी हैं, ERO हैं हमारे जो इसके इंचार्ज हैं नोडल हैं मनीष जी हैं। तो हम लोग 3 दिनों से यहाँ पर सारे ग्राम विकास अधिकारियों को इसका जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में अवगत करा रहे हैं। आप जानते हैं कि जन्म मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ग्राम विकास अधिकारी जो हैं ये प्राइमरी रजिस्ट्रार हैं। तो इन लोगों को इसलिए संवेदीकरण हम लोग करते हैं कि कुछ नई शासनादेश नई जानकारी हम लोग को जो मिलती है उससे ही लोग रूबरू हो जाएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारा 10 तारीख से दस्तक अभियान चल रहा है उसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण को भी एक एलिमेंट्स के रूप में जोड़ा गया है, और हमारी आशा और आंगनवाड़ी जो घर घर जाएगी 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, तो वो सारी घर में परिवार वाले को, घर के मुखिया को, वहाँ की औरतें जो महिलाएं हैं उनको, उन लोगों को बताएगी कि जन्म मृत्यु पंजीकरण करना कितना आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग पूरे जनपद में एक अभियान चला रहे हैं। इसी के एवज में 10 दस्तक अभियान में जो ये कार्यक्रम शुरू होगा हम लोग 3 दिन का ओरिएंटेशन रखे हैं। टाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अनीता यादव ने ग्राम विकास अधिकारियों को CRS पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, नियम, पात्रता व बारीकियों के बाबत विस्तार से जानकारी दी। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, और यह ब्लॉक वाइज लोग आए हुए हैं, 5 ब्लॉक से 45 लोग आए हुए हैं, और 45 लोगों का ये ट्रेनिंग दी जा रही है। समस्त इसमें इन लोगों दिशा निर्देश यही दिया जा रहा है, समस्त जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन CRS पोर्टल पर किया जाएगा। 21 दिन के अंदर का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इन लोग बताया गया है, जो आपके इन लोगों क्षेत्र अधिकार में आएंगे वह 21 दिन के अंदर का वो बनाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और इन लोगों को अप्रूव करना है। अप्रूवल जब एक कर देंगे तब वह जन्म प्रमाण पत्र वो निकाल के सीधे दे देंगे, और समस्त जन्म प्रमाण पत्र को ये लोग बना के देंगे, ऑनलाइन ही देंगे। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC
बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़, वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहां पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।